हेलो फ्रेंड्स, मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि YouTube वीडियो से कमाए हुए पैसे को हम कहाँ पे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने YouTube से कितने पैसे कमा लिए हैं और YouTube के अंदर उन्हें कैसे देखा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, YouTube से कमाए हुए पैसे को आप दो तरीके से देख सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक तो आप अपने YouTube चैनल के अंदर देख सकते हो और एक एडसेंस के अंदर देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube चैनल के अंदर आप कैसे देख सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप YouTube में लॉगिन कर लीजिए, ओके। उसके बाद आप माय चैनल पे क्लिक कर दीजिए। माय चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो मैनेजर पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका वीडियो मैनेजर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एनालिटिक्स, ओके, ये रहा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ओवरव्यू में आपकी अर्निंग दिखा देगा, आपने जितने भी पैसे कमाए हैं वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपको ये भी दिखाया जाएगा कि आपने कौन से वीडियो से कितने पैसे कमाए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको आपका वॉच टाइम, व्यूज, व्यू डायरेक्शन, वो सभी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपके जो पैसे हैं वो आपको लास्ट 28 दिन के दिखाए जाएंगे, ओके, जो कि डॉलर में दिखाए जाएंगे। यदि आप इससे ज्यादा देखना चाहते हो तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप लाइफ टाइम भी देख सकते हो, लास्ट वीक का भी देख सकते हो, लास्ट 7 डेज का भी देख सकते हो, ओके। तो यहाँ से आप जितने दिन का चाहो उतने दिन का देख सकते हो। जैसे कि लाइफ टाइम का देखना है तो यहाँ पे आप लाइफ टाइम पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपने लाइफ टाइम में कितने पैसे कमाए हैं वो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तरीका तो था YouTube चैनल के अंदर अपनी अर्निंग देखने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडसेंस के अंदर आप कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आप या तो चैनल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे मोनेटाइजेशन में व्यू मोनेटाइजेशन सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडसेंस सेटिंग के नाम से, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट गूगल में टाइप कीजिए एडसेंस। उसके बाद ये यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस की वेबसाइट शो होगी, आप इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए, और इसके अंदर अपनी ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे लॉगिन कर दीजिए, ओके। या फिर सबसे आसान तरीका है, आप एडसेंस सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए तो आप डायरेक्ट अपने एडसेंस अकाउंट में पहुंच जाओगे। एडसेंस में आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा परफॉर्मेंस रिपोर्ट के नाम से, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर के नाम से, ओके, आपको इस पे क्लिक कर देना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट्स के नाम से, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ओके, तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, होस्टेड एडसेंस पे, ओके, उसके बाद अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देख सकोगे कि आपने यूट्यूब से अभी तक कितना पैसा कमाया है, ओके, और यहाँ पे राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कितना दिन का देखना चाहते हैं, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑल टाइम पे क्लिक कर देते हैं। देखिए, ऑल टाइम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल अर्निंग दिखा दी जाएगी, और साथ में आपके पेज व्यू, इंप्रेशन, क्लिक्स, वो सभी यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। और इसके नीचे आपको पूरा स्टेटमेंट दिखा दिया जाएगा कि आपने कौन से दिन कितना पैसा कमाया है, ओके, तो आप ये सब यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हो कि आपने YouTube से अभी तक कितना पैसा कमाया है। दोस्तों, यदि आप YouTube के बारे में और AdSense के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे चल के इनके बारे में और भी बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, जिनसे आपको इनके बारे में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपके कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।